यशस्वी के जैश बॉल, सरफराज के राज और राजकोट के राजा के प्रदर्शन के सामने अंग्रेजों के बेसबॉल ने घुटने टेक दिए। जी, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जीत लिया है और वो भी रिकॉर्ड मार्जिन से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत ने राजकोट टेस्ट जीत लिया है, उसने इंग्लैंड की टीम को 434 रनों के विशाल अंतर से पराजित किया। आपको बता दूं कि टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी जीत है। अगर हम भारतीय जीत की बात करें तो जब चौथे दिन खेल शुरू हुआ था तो उस वक्त ये तो तय था कि मैच पर भारत की पकड़ मजबूत है, लेकिन फैसला पांचवें दिन आने की उम्मीद थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और अंग्रेज बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण चौथे दिन ही तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच समाप्त हो गया और भारतीय टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली। चौथे दिन के अगर खेल की हम बात करें तो जब भारत ने सुबह अपनी पारी को आगे बढ़ाया उस समय भारत का स्कोर था 196 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल और कुलदीप यादव क्रीज पर थे, दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। एक गलत फहमी के शिकार हुए शुभमन गिल, 91 रनों पर रन आउट होते हैं, शतक से चूक जाते हैं। अंग्रेज टीम इस पर जश्न बनाने लगती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनके लिए खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि मुसीबत क्रीज पर आने जा रहा है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आ जाते हैं और फिर जो शुरू होती है अंग्रेज गेंदबाजों की धुलाई, तो वो पूछिए मत। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरे दिन जो है यशस्वी जायसवाल जो है 104 रनों के स्कोर पर रिटायर हर्ट हुए थे, उनके कमर में दर्द था। लेकिन जब वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो वो अपना कमर दर्द तो भूल चुके थे, उन्होंने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और लगातार दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक जमा दिया, 214 रन बनाए। और सरफराज, जिन्होंने पहली पारी में आतिशी पारी खेली थी, शानदार अर्धशतक लगाया था, दूसरी पारी में भी अर्धशतक जमाते हैं और लंच के 1-1.5 घंटे तक भारतीय टीम खेलते रहती है और फिर उसके बाद भारतीय कप्तान पारी की घोषणा कर देते हैं और उस समय भारत का स्कोर था 430 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मतलब कि 556 रन भारतीय टीम आगे हो चुकी थी और 557 रन जो है वो इंग्लैंड की टीम को बनाने थे मैच जीतने के लिए। उस वक्त भी लग रहा था कि मैच पांचवें दिन तक तो जरूर जाएगा। हाँ, ये बात साफ हो चुकी थी कि इंग्लैंड की टीम अब ये टेस्ट जीतने वाली नहीं है। लेकिन फिर जब अंग्रेज टीम बल्लेबाजी के लिए आती है और जिस बेसबॉल के लिए वो जानी जाती है, ऐसा लगा जैसे वो भूल गई है। जैसे ही उस पर दबाव पड़ा, वो बेसबॉल क्रिकेट खेलना भूल गई। आप कहते हैं ना कि दबाव में जो है आदमी या तो बिखरता है या निखरता है। जो निखर जाता है उसे सफलता मिलती है, जो बिखर जाता है उसे हार झेलनी पड़ती है और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से इस दबाव में बिखर गई। उनकी तरफ से समझिए कि कोई प्रयास ही नहीं हुआ रन बनाने का, और जो उनका बेसबॉल का स्टाइल है इंडियन स्पिनर्स का सामना करने का कि वो स्वीप और रिवर्स स्वीप लगाएंगे, तो रिवर्स स्वीप तो नहीं ही आए, जो स्वीप उन्होंने लगाए वो विकेट के सामने लगाए और नतीजा 3-3 LBW आउट हुए। बेरिस्टो इसी तरह से आउट हुए, जो रूट इसी तरह से आउट हुए, बेन स्टोक्स इसी तरह से आउट हुए और आखिरकार जो है इंग्लैंड की जो दूसरी पारी है वो आपको 122 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने 434 रनों की विशाल जीत दर्ज कर ली। रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया क्योंकि दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट चटकाए।
पहली पारी में भी उन्होंने दो विकेट लिए थे। इसके अलावा जब वो पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए आए थे तो मुश्किल परिस्थिति में उन्होंने शतक जमाया था और कप्तान रोहित शर्मा के साथ बेहतरीन साझेदारी की थी। तो राजकोट के राजा साबित हुए एक बार फिर से रविंद्र जडेजा। यशस्वी के जायसवाल का कोई जवाब जो है वो इंग्लैंड की टीम के पास नहीं था और सरफराज ने दोनों पारी में अपना राज चलाया, जमकर स्ट्रोक लगाए और इंग्लैंड की टीम को आखिरकार मुंह की खानी पड़ी और भारतीय टीम जो है वो सीरीज में 2-1 से आगे हो गई है। जो चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच है वो रांची में खेला जाएगा, 23 फरवरी से ये टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। तो अब भारतीय टीम राजकोट से रांची आएगी। एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम को इस बड़ी जीत पर बहुत सारी बधाई, आपको भी बधाई। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।